वाकई क्राइम पेट्रोल शो लोग बड़े ही शौक से देखते हैं, क्योंकि इसकी कहानियां रियल स्टोरी पर बेस्ड होती हैं। हर एपिसोड्स में हमें एक अलग कहानी और अलग अलग किरदार देखने को मिलते हैं, भले ही शो में एक्टर और एक्ट्रेस रिपीट होते रहते हैं। आज हम क्राइम पेट्रोल शो के एक और बहुत ही खास किरदार के बारे में जानेंगे, जो इस शो में 2013 से काम कर रही हैं और हर तरह के रोल करने में माहिर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तृष्णा मुखर्जी की, जिन्हें क्राइम पेट्रोल शो में हर किसी ने देखा होगा और उम्मीद है सब जानते भी होंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक के सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तृष्णा मुखर्जी 15 दिसंबर 1988 को कोलकाता सिटी में पैदा हुई। उन्होंने अपनी स्कूल की तालीम अपनी छोटी बहन तृप्ति मुखर्जी के साथ इंडियन कम्युनिटी स्कूल कोलकाता से हासिल की। उनकी माँ का नाम अर्चना मुखर्जी है, जिन्होंने दोनों बेटियों की खूब लाड़ प्यार से परवरिश की। दोनों बेटियों को अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जीने की आजादी भी थी। और तृष्णा मुखर्जी के पिता मिस्टर मुखर्जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं। तृष्णा मुखर्जी अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद हैदराबाद चले आई, जहाँ उन्होंने ICFAI इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हैदराबाद से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। अपनी क्वालिफिकेशन के बाद वो अपना करियर बनाने में लग गई। कृष्णा मुखर्जी ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से शुरू किया। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें एक बंगाली वर्जन सिंगिंग शो सारेगामा पा में कंटेस्टेंट बनकर काम करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया और सोप ओपेरा और शॉर्ट फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। 2012 में तृष्णा मुखर्जी ने एक फिल्म में काम किया, वो फिल्म एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक सोनागाजी पर बनाई गई है। इस फिल्म में बताया गया है कि सोनागाजी के लोगों पर ही रेड लाइट एरिया चल रहा है। कहानी 5 लेडीज पर बनाई गई है जो रेड लाइट एरिया में रहती हैं और इस एरिया को किस तरह से हैंडल करती हैं। ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जो ऑडियंस को नए दौर के रेड लाइट एरिया के बारे में बताती है। तृष्णा मुखर्जी 2013 में मुंबई चले आई और अपनी एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से इंडियन टेलीविजन से जुड़ गई और एपिसोडिक शोज में काम करने लगी। उनका इंडियन टेलीविजन पर पहला शो क्राइम पेट्रोल है, जिसमें उन्होंने कई किस्म के किरदार अदा किए, और इसी तरह के एक और शो सावधान इंडिया में भी उन्हें यही काम मिला। इन दो शोज की वजह से ही तृष्णा मुखर्जी को अच्छी खासी शोहरत मिली। इसी तरह उन्हें क्राइम पेट्रोल शो और सावधान इंडिया के बाद चक्रव्यू, कोड रेड, शपथ, होशियार जैसे कई शोज ऑफर हुए। तृष्णा मुखर्जी ने बहुत सी वेब सीरीज में भी काम किया है। उन्होंने तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम, मोशन पिक्चर्स में काम किया है। 18 अप्रैल 2017 में तृष्णा मुखर्जी ने एक शॉर्ट फिल्म जंगू में बहुत ही अच्छा रोल किया था और 13 फरवरी 2018 में शॉर्ट फिल्म नामकरण में भी काम किया, और ठीक 10 दिन बाद 23 फरवरी 2018 में एक और शॉर्ट फिल्म अतीन इला और 4 अध्याय में नजर आई, जिसमें उन्होंने बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले किया। तृष्णा मुखर्जी ने 2019 में तेलुगु वेब सीरीज माधा में भी काम किया, जो अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई, जिसमें तृष्णा मुखर्जी ने निशा का किरदार अदा किया है। ये एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। माधा संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है पागलपन। ये फिल्म एक ऐसी लड़की पर बनाई गई है जिसमें वो लड़की बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूडेड है, जिसकी वजह से कोई ड्रग या मेडिसिन उस पर काम नहीं करती। अगर आपको अच्छी कहानी वाली फिल्में पसंद है तो आपको माधा वेब सीरीज देखना चाहिए। और 2019 में तृष्णा मुखर्जी ने अल्ट बालाजी की वेब सीरीज मेडिकल यूएस में भी काम किया, और फिर तृष्णा मुखर्जी ने 2020 में वेब सीरीज बिच्छू का खेल में भी नजर आई, और साथ ही उनकी दो शॉर्ट्स फिल्म धोबी और गुड़िया में भी काम किया। तृष्णा मुखर्जी ने 2021 में अल्ट बालाजी के वेब सीरीज बेकाबू सीजन 2 में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उसी साल एक और वेब सीरीज प्रोजेक्ट 9191 में भी बहुत खूबसूरत किरदार निभाया। और अगर हम बात करें उनकी जिंदगी के बारे में, तो वो अपनी फिटनेस का बड़ा ही ख्याल रखती हैं, हमेशा डाइट पर रहती हैं, और उनका एक बड़ा ही अनोखा शौक टैटू का है। उन्होंने अपने शोल्डर के बैक साइड पर एक अनोखा टैटू बनवाया है जो उनकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। तृष्णा मुखर्जी के फैंस उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के दीवाने हैं। तृष्णा मुखर्जी को इंस्टाग्राम पर 27,000 से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मगर फिर भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।